पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, आप लोगों को बता दें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो सभी पेंशन धारक ओआरओपी 3 लाभार्थी ओआरओपी 3 बेनिफिशरीज के लिए। जितने भी हमारे नायक सिपाही हवालदार नायक सुधार सुधार मेजर या ऑनरी कैप्टन या ऑनरी लेफ्टिनेंट या फिर मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर, जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जुड़ चुके हैं, जितने भी वेटरन जुड़ चुके हैं, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ सूचनाएं देनी है ओआरओपी 3 के रिगार्डिंग, वन रैंक वन पेंशन के रिगार्डिंग। आप लोग पता है ओआरओपी 3 इफेक्टेड है 1/7/2024 से, मतलब 1 जुलाई 2024 से आप लोग को इसका टेबल मतलब कि अप्रूव मिल चुका है, मतलब कि आप लोग का जो मंजूरी है गवर्नमेंट ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और आप लोग का जो सरकारी विभाग से देना था वो दे चुके हैं वो, अब आपको संसद में भी मंजूरी मिल चुकी है। तो देरी किस बात की, देरी इस बात के भूतपूर्व सैनिकों कि आप लोग कब आपका एरियर मिलेगा, एरियर मतलब आपको टेबल कब दिखाया जाएगा, टेबल में कोई विसंगतियां ना हो, टेबल अच्छे से बना होना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर सही होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। जितने भी हमारे प्री 2006 हैं पोस्ट 2006 हैं मिनिमम मैक्सिमम सही से होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक को एरियर बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। हम सभी पेंशन धारक और पेंशन भोगी से उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ओआरओपी 3 का हमारे माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपको पल पल का अपडेट दिया जाता है, पूरा टेबलें दिखाई जाती है, कई टेबलें घूम रही है YouTube पे सोशल मीडिया पे लेकिन उनका कोई आधार नहीं, लेकिन हमारा आधार के साथ फुल एनालाइज के साथ फॉर्मूला के साथ जितने भी फिटमेंट फैक्टर सब लगा देते हैं हम लोग और तब निकालते हैं टेबल। सभी भूतपूर्व सैनिक बता दें कि आप लोग का 210% की जीत पक्की होगी, लेकिन अब ये टेबल आपका MOD जल्दी जारी करेगा। हाँ एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, 90% आपका टेबल पे काम हो चुका है, काम हो गया है 90%, बस उसका अप्रूवल नहीं मिला है क्योंकि वो चेक नहीं हो पाया कि कितना उसमें सही है गलत है, सब कुछ वो चेक करने के बाद ही पब्लिश होगा। पिछली बार ओआरओपी 2 में बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था, टेबल नंबर 7 में बहुत विसंगतियां थी, एनोमलीज थी, डिस्क्रिपेंसीज थी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब